ये भवानी कौन है? शैतान है। तुम्हें 2 मिनट का वक्त देता हूँ, हो सके तो मुझे मारकर इस हीरो को मैं दौड़ाऊं। पैसे दे रहा है इसलिए तू मुझे मार रहा है। घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी हो लगाएगा। उन बच्चों को मारकर उन्हें फांसी पर लटकाया, मैं उसी दिन मर गया था। क्या जय की जिंदगी में बदलाव लाएगी कोई लड़की? क्या फिल्म में सलमान करेंगे कॉमेडी? दोस्तों, हम सभी ने फिल्म मुन्ना भाई MBBS देखी है और उसे बहुत पसंद भी किया है, और ऐसा ही एक किरदार हम देखने वाले हैं जल्द आने वाली फिल्म मास्टर में, जिसमें मुख्य भूमिका निभाते हुए दिखेंगे सलमान खान। और सलमान का ये किरदार इस बार इंस्पायर हुआ होगा संजय दत्त के किरदार मुन्ना भाई से, जो अपने पिता के लिए डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। और हमारी इस कहानी के हीरो की शुरुआत भी कुछ ऐसे ही होगी। जय एक ऐसा लड़का है जो दुनियादारी से दूर रहने वाला और अपनी ही धुन में रहने वाला है। लोगों से मारपीट करना और राउडी बनना उसे बहुत पसंद है। वहीं वो एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है जहां उसके पिता दिन रात मेहनत करके कमाई करते हैं ताकि वो एक अच्छी एजुकेशन उनको प्रोवाइड कर सके। लेकिन जय तो बस अपने धुन में मस्त है, और वो एक दिन अपने कॉलेज के कुछ स्टूडेंट से लड़ाई करता है, जिसकी वजह से उसे कॉलेज से सस्पेंड कर दिया जाता है। जय के पिता को जैसे ही बात पता चलती है, वो जैसे बहुत नाराज होते हैं और इन बाप बेटे के बीच झगड़े हो जाते हैं, जिसके बाद जय घर छोड़कर चला जाता है। और सुबह घर आता है जहाँ ऋतु बैठी होती है। ऋतु जय की पड़ोसी होती है और वो उसके साथ कॉलेज में पढ़ती है। ऋतु की जय से ज़्यादा उसके पिता से अच्छी बॉन्डिंग है, और वो जय के पिता को बिल्कुल अपने पिता की तरह प्यार और सम्मान देती है। वहीं जय के आते ही ऋतु उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि उसकी वजह से उसके अंकल यानी कि जय के पिता को हार्ट अटैक आ गया और वो हॉस्पिटल में है। जय ने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया था और इसीलिए उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाया। जय एक लता बेटा होता है और उसकी माँ की उसके बचपन में ही मौत हो जाती है, जिसके बाद उसके पिता ही उसे पाल पोष कर बड़ा करते हैं। जय ये सारी बातें सोच के बहुत रोता है और उस दिन वो तय करता है कि वो अपने पिता के लिए पढ़ेगा, जहाँ ऋतु उसका साथ देती है और कहती है कि अंकल तुम्हें टीचर बनाना चाहते हैं। और अपनी ये कहानी बताते हुए जय अपनी BEd की डिग्री लेते वक्त अपनी ये स्पीच ख़त्म करता है। जय को शहर के बेस्ट कॉलेज में जॉब मिल जाती है, जहाँ वो प्रोफेसर बन जाता है। वक्त के साथ वो स्टूडेंट्स के बीच बहुत पॉपुलर हो जाता है, जहाँ उसका नेचर स्टूडेंट्स के लिए बहुत फ्रेंडली रहता था और वो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए अपना फनी अंदाज इस्तेमाल करता है। मास्कर की बढ़ती पॉपुलैरिटी से बाकी टीचर्स काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं थे, और वो कर रहे थे मास्टर के खिलाफ कोई प्लानिंग। क्या होगा वो प्लान? क्या बढ़ेगी मास्टर की मुश्किलें? क्या है आपके थॉट्स इस वीडियो के बारे में? हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।